बॉक्सिंग इजी है आर्मी मैन से तो वहाँ पर क्या है बहुत ड्यूटी देना पड़ता है रेस्ट सोने को नहीं मिलता रात को 2 घंटा 3 घंटा ही तो वो यहाँ पर तो प्रैक्टिस किया और रेस्ट करने को काफ़ी मिल जाता है चार में मैं आर्मी ज्वाइन किया था उसके बाद मैं फर्स्ट पोस्टिंग JNK में रहा उसके बाद 2 साल आसाम में तो फिर वहीं मैंने बॉक्सिंग शुरू किया स्टार्टिंग में आसाम में उसके बाद 2012 में आर्मी चैम्पियनशिप खेलने के बाद आर्मी चैम्पियनशिप होती पूरे इंडियन आर्मी की होती है उसमें खेलने के बाद मेरा सिलेक्शन आर्मी स्पोर्ट स्टेट पुणे में हुआ उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं पहले बॉक्सिंग नहीं खेलना चाहता था क्योंकि मैं कभी खेला नहीं था बॉक्सिंग तो मेरे को कोच बोले कि बॉक्सिंग करो तो मैं तब तो नहीं खेलना चाहता था मैं आर्मी में ना स्टार्टिंग में थोड़ी डर लगती है सभी को तो मैं खेला फिर आर्मी में बोला कि खेलना होगा बॉक्सिंग बाय ऑर्डर तो ऐसे खेला था 2015 में मैं नेशनल चैम्पियन हुआ हाँ उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी गया प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में गया था वहाँ पर मेडल नहीं आ पाया मैं क्वार्टर फाइनल लॉस हो गया था अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट नेशनल में सिल्वर मेडल लिया गुवाहाटी में उसके बाद थर्ड नेशनल अभी इधर BFI वाली जो विशाखापट्टनम में उसमें भी सिल्वर मेडल लिया इसके बाद इंडियन ओपन में ब्रॉन्ज मेडल हुआ उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से मामूली अंतरों से हार गया था आसाम में थे हम लोग 2008-9 में तो वहाँ पर हमने आतंकवादी मिलिटेंट से फायर फाइटिंग हुई थी हमारी तो उसमें रात को 7-8 मिलिटेंट मारे थे हमने वहाँ पर रात को बॉक्सिंग इजी है आर्मी मैन से तो वहाँ पर क्या है बहुत ड्यूटी देना पड़ता है रेस्ट सोने को नहीं मिलता रात को 2 घंटा 3 घंटा ही ज़्यादा सो पाता आदमी वहाँ पर तो वो यहाँ पर तो प्रैक्टिस किया और रेस्ट करने को काफ़ी मिल जाता है ऐसा कुछ नहीं आता मैं भी आर्मी में भी काफ़ी मैं घातक कमांडो में भी रहा हूँ तो मैं काफ़ी टफ था पहले से भी अभी भी टफ हूँ